ये पहली बार नहीं हुआ है कि एक इंसान की दो वाइफ है, ये हिंदुस्तान में पहली बार नहीं हुआ है। बहुत सारी प्रॉब्लम की वजह से या फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि लोग दो शादी कर लेते हैं, पर मैं सपोर्ट नहीं कर रही उस चीज़ को। ऐसा नहीं है कि शुरुआत से दो कि अरमान ने दो शादी करी हम शुरुआत से एक साथ, नहीं, हम लोगों में बहुत सी चीज़ बिगड़ी है, मरने तक मतलब प्रॉब्लम्स आ गई थी। देखो आदमी होगा तो ये होता, कोई भी आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किसी और को नहीं देखना चाहेगा, तो ये तो मर्द है। आदमी रो के नहीं दिखा सकता कि वो दुखी है, पर वो इस चीज़ से खुश है कि मैं बाहर आ गई हूँ। हेलो, मैं पायल मलिक और आप मुझे देख रहे हैं DNA पर। हेलो एवरीवन, दिस इज मी सिमरन सिंह। और बिग बॉस OTT सीजन 3 के सेकेंड एविक्शन के बाद आज हमारे साथ जुड़ी हैं पायल मलिक। पायल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग DNA, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। पहला सवाल मेरा ये बनता है कि बहुत जल्दी आपकी जर्नी खत्म हुई है, ऐसा लग रहा था कि आप थोड़ा और टिकेंगे, आप अपनी जर्नी को किस तरीके से, आप भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार थोड़ा और आगे जा सकते थे, थोड़ी निराशा हुई आपको? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा निराशा हुई है और मैं बहुत आगे तक जाती, टॉप 5 तक तो जाती, क्योंकि मेरे पास बहुत लोगों का प्यार था, सपोर्ट था, और शायद जैसा मैं खेल रही थी लोगों को पसंद भी आ रहा था, तो मेरे लिए शॉकिंग था। आपको क्या लगता है कहाँ पे, जैसे बोलते हैं कि गेम जो होती है बदल जाती है, बिगड़ जाती है, क्या लगता है आपको ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से या घर वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से, शायद आपने किसी पे भरोसा किया जो आपके जिसने आपके साथ विश्वासघात किया हो? घर वालों की वजह से मैं बाहर हूँ, और मुझे सबसे ज़्यादा निजी ब्रोकर लगा, उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया, बस इसी वजह से मैं बाहर हूँ और वो मुझे बुरा लगा। एंड इवन साई केतन राव, उन्होंने भी तो मतलब आपका नाम लिया था? नहीं, उन्होंने नहीं किया था, दीपक जी और नेजी ने किया था। तो मतलब नेजी से डिसअपॉइंट? नेजी से डिसअपॉइंट हूँ, पर अभी मैंने जो देखा उन्होंने माफ़ी मांगी है, 24 जो लाइव चलता है उसमें उन्होंने बोला है कि उनकी गलती की वजह से जाया और वो उस चीज़ के लिए सैड है, तो वो भी मेरे लिए ख़त्म हो गया कि मैं दिल में कोई रंजिश नहीं। अच्छा, ये सवाल बनता है कि जैसे आपने कहा कि नेजी को बुरा लगा जब आप बाहर गए और उन्होंने माफ़ी मांगी, बट जैसे हमने देखा है कल के एपिसोड में देखा है कि जब आप जा रहे थे तो अरमान जो है उन्होंने मतलब उनके चेहरे पे हल्की सी स्माइल थी, उन्होंने कहा कि ठीक है बाहर जाके ध्यान रखना, कोई बात नहीं। मतलब ये रिएक्शन था, और ये रिएक्शन नेटिजन्स में मतलब इंटरनेट पे बहुत वायरल हो रहा है कि किस तरीके का रिएक्शन, जहाँ आप बोल रहे हैं कि नेजी उनको बुरा लग रहा था लेकिन अरमान जी का देखे था लगा नहीं कि उनको इतना बुरा लगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अरमान जी को बुरा बहुत लगा है क्योंकि उनको ये था कि वो जाएंगे, उनको मेरा बिल्कुल भी नहीं था, उन्होंने अपने लगेज वगैरह सब पैक कर दिए थे। जब हमें अनाउंस हुआ था कि जितने भी नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट हैं वो अपने लगेज पैक कर ले, तो सिर्फ वही थे जिन्होंने अपना पूरा लगेज, एक शिवानी और एक अरमान, दो लोग थे जिन्होंने अपना पूरा लगेज पैक कर दिया था, उनको कहीं से भी नहीं लग रहा था कि मैं निकलने वाली हूँ, और वो शॉक्ड इसलिए नहीं थे क्योंकि जो वोटिंग, जो अंदर वाले ने जो गेम खेला है, बाहर वाले ने जो गेम खेला है, उससे उनको ये हुआ कि उनको नहीं था। उन्होंने लास्ट में भी बोला था कि उसने ऐसी कोई गलती नहीं करी है कि वो बाहर जाए, उन्होंने ये बात जब अनिल जी ने पूछा है कि उसने ऐसी कोई गलती नहीं करी कि वो बाहर जाए, और मैं यही बोलना चाहूँगी कि आदमी रो के नहीं दिखा सकता कि वो दुखी है, पर वो इस चीज़ से खुश है कि मैं बाहर आ गई हूँ, तो बाहर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम तीनों पे, वो मैं पूरा कर सकती हूँ, और अगर मेरी जगह कृतिका आती तो वो इतना नहीं कर पाती, पर मैं आ गई हूँ बाहर, मेरे लिए अच्छा है, और ऐसा कुछ नहीं है कि अरमान जी खुश हैं इस चीज़ से। एक चीज़ देखिए, जब आप एंटर कर रहे थे, आप तीनों एक साथ जब एंटर कर रहे थे, तब से लेके जब तक आप मतलब अभी भी इनफैक्ट कहीं ना कहीं एक राय बनी हुई है कि इस वक्त इस बार जो बिग बॉस है हम जो है पॉलीगैमी को प्रमोट कर रहे हैं। देवलीना एक एक्ट्रेस है, उन्होंने भी इसके बारे में लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा, और भी लोग जो बोल रहे हैं कि इस बार ये जो क्या मतलब हम क्या दिखाना चाहते हैं, यूथ को हम क्या दिखाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके फैंस भी इसके वजह से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसी चीज़ को क्वेश्चन किया जा रहा था पॉलीगैमी कि ये क्या दिखाना चाहते हैं, तो आपका इसके ऊपर क्या टेक है? मेरा इस पे यही टेक है कि हम लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं पॉलीगैमी को। जब से हम लोग सोशल मीडिया पे आए हैं, हमने अपने हर एक इंटरव्यू, हमारे ब्लॉग्स, हमारी हर चीज़ में हम बोलते हैं कि इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि दो शादी करनी चाहिए, नहीं, ये हमारा एक एक्सीडेंटल समझ लो या किस्मत थी ऐसी कि दो हो गई, और ऐसा नहीं है कि शुरुआत से दो कि अरमान ने दो शादी करी हम शुरुआत से एक साथ, नहीं, हम लोगों में बहुत सी चीज़ बिगड़ी हैं, मरने तक मतलब प्रॉब्लम्स आ गई थी, पर वो सारी चीज़ें संभाल के वापस इस रिश्ते में आए हैं, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ या अरमान जी या कृतिका या हमारी फैमिली में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो सपोर्ट करता है पॉली, और ये पहली बार नहीं हुआ है कि एक इंसान की दो वाइफ है, ये हिंदुस्तान में पहली बार नहीं हुआ है। बहुत सारी प्रॉब्लम की वजह से या फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि लोग दो शादी कर लेते हैं, पर मैं सपोर्ट नहीं कर रही उस चीज़ को।
एक चीज़ जो बहुत मुद्दा बना उस चीज़ का कि जब एक कॉन्वर्जेशन के दौरान सना मकबूल ने पूछ लिया था अरमान जी से कि अगर रिवर्स हो जाए ये सिचुएशन कि जैसे पायल या कृतिका को अगर वो दूसरी शादी करें तो क्या एक्सेप्ट करेंगे, तो उन्होंने कहा था मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। यहाँ जितना मैं आपसे बात करूँ, जितना मैंने आपको पर्दे पे देखा है, मतलब स्क्रीन पे देखा, मैं देखा यू आर काइंड ऑफ अ डिवोटेड हाउस वाइफ एंड यू आर लाइक जो मेरे पूरी फैमिली को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी भी आपके चेहरे पर मुझे वो नहीं दिख रहा है दैट यू आर अपसेट विद द फैक्ट कि अच्छा मैं बाहर आ गई, लाइक अच्छा मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आई हैव टू लुक आफ्टर अवर फोर किड्स। ये एक औरत का एक पर्सपेक्टिव है, यही हम मर्द को देखते तो बोलते मैं एक्सेप्ट नहीं करता, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो उनकी सोच है कि वो देखो आदमी होगा तो ये होता, कोई भी आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किसी और को नहीं देखना चाहेगा, तो ये तो मर्द है, तो मुझे कहीं भी वो बुरे नहीं लगे। वो उनकी सोच है और वो मेरी सोच है कि मैंने एक्सेप्ट किया और मैं अपनी फैमिली को आगे लेके चल रही हूँ। मैं एक रिश्ते, एक ऐसे रिश्ते में बंधी हुई हूँ जहाँ एक आदमी की दो बीवियाँ हैं, वहाँ मैं, ये मेरी मर्ज़ी है, उनकी अपनी मर्ज़ी है, सबका अपना थॉट होता है। बट आपको मैं ये नहीं कहना चाहता कि यू नो यू शुड मूव ऑन, बट द फैक्ट इज़ कि नाउ यू आर एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, आपको लोग जानते हैं, सब हर कोई आपको जानता है, पायल मलिक की खुद की एक आइडेंटिटी है, डोंट यू थिंक इट्स हाई टाइम कि आप अपनी खुद की आइडेंटिटी, आप यू शुड टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। ये आपने एक्सेप्ट कर लिया रिश्ता, आपने खुद तो उसको भी साल लगे हैं टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट ऑल्सो, बट आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो है कब तक ये ऐसे चलता रहेगा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मतलब कहीं ना कहीं इट्स ऑलवेज कि फर्स्ट वाइफ एंड सेकेंड वाइफ, व्हाट इज दिस? ये पूरी ज़िंदगी चलता रहेगा क्योंकि हम इस रिश्ते में ज़बरदस्ती नहीं बंधे हुए हैं, ये हमारी चॉइस है, मेरी चॉइस है, कृतिका की चॉइस है, कृतिका भी चाहे तो वो भी छोड़ के जा सकती है, मैं भी चाहूँ तो मैं भी छोड़ के जा सकती हूँ, पर ये हमारी अपनी पर्सनल चॉइस है कि हम सब एक साथ रहना चाहते हैं क्योंकि ये हमारी एक फैमिली है और हमारी फैमिली बहुत हैप्पीली रह रही है, कोई कमी नहीं है हमें, ना प्यार की, ना रिश्तों की, ना फाइनेंशली कोई प्रॉब्लम है, ना और ना ही हम अपने बच्चों को ये सीख देंगे कि 2 माह से 4 बच्चे हैं तो वो कोई भी आगे जाके एक दूसरे में झगड़ा हो, हम जैसे प्यार से रह रहे हैं हम अपने बच्चों को भी वही सीख देंगे। राइट, और कहने का ये भी होगा कि जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं यू विल आल्सो बी लाइक कि एक जैसे होता है कि हाँ भाई व्हेन आप जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आप अपने पार्टनर चूज करेंगे, चूज वाइजली, आप ऐसे मत करना कि हाँ भाई वी यू शुड हैव टू वाइफ्स एंड ऑल, ये भी एक होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो हम अपने बच्चों को बिल्कुल सिखाएंगे कि एक घर में 2 बीवियाँ बिल्कुल अलाउड नहीं है और कभी इस चीज़ को हम सपोर्ट भी नहीं करेंगे, शुरुआत से अपने बच्चों को सिखा के करेंगे जो हमारे बीच में हो उनके बीच में ना हो। एक आप बात बताएं घर की, अगर मैं बात करूँ मतलब जो बिग बॉस का घर है, क्या लगता है आपको? मैं अभी घर की बात करूँ, बिग बॉस के घर की बात करूँ, तो जिस तरीके से अभी हालात चल रहे हैं, अब अरमान एंड कृतिका साथ में, कहीं ना कहीं मैंने देखा घर के अंदर भी कृतिका की तरफ उनका थोड़ा सा झुकाव ज़्यादा रहा है, व्हाट डू यू थिंक आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है? आने वाले हफ्ते में उनको टाइम मिलेगा एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए, जो कि हमें तकरीबन 2 साल से नहीं मिल रहा था क्योंकि बच्चे हो गए, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये वो, फिर ज़्यादातर अरमान जी जो है मेरे साथ ट्रिप्स कर रहे थे, दुबई घूमने गए, दिल्ली गए, इधर गए, जयपुर गए, कृतिका को टाइम कम मिल रहा था, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा समय है उनके साथ बिताने के लिए। और आपके हिसाब से कौन हो सकता है फाइनल 3 में और पोटेंशियल विनर? अभी तक सिर्फ 2 हफ्ते हुए बट आपके हिसाब से पोटेंशियल विनर कौन लग रहा है? रणवीर और अपना रणवीर जी, अरमान जी और सना मकबूल, में मुझे ऐसा लगता है वो अभी तक जो भी खेल रही है बहुत अच्छा खेल रही है, बहुत दिमाग से खेल रही है। ओके, टॉप 3 आपके लगते हैं, एंड इनमें से अगर कोई एक चुनना हो आपके हिसाब से विनर? तो फिर मैं तो अरमान जी को चुनूंगी। ओके, ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच पायल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। दैट्स इट फ्रॉम DNA, कीप वॉचिंग।